और अब हम आपको ले चलते हैं एक अनूठे मेले में। ये मेला लगा था ITC शेरेटन में और यहाँ जमा हुए थे नॉर्थ जोन के बेहतरीन हेयर ड्रेसर्स। इस मेले में खास था एक कंपटीशन। हेयर स्टाइल्स ऐड मोर टू योर लुक्स। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि खूबसूरती का बोलबाला है और इस पर स्टाइलिश लुक क्या कहने। ITC शेरेटन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर आयोजित एक ब्रांड की कलर ट्रॉफी के कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स आए थे नॉर्थ जोन के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू देम, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। आई थिंक ऐसे कॉन्टेस्ट यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इंडस्ट्री वालों से नोटिस होने के लिए और अपनी मतलब कोलीग्स से कितना अच्छा कर सकते हैं वो दिखाने के लिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आईडिया। कंपटीशन में दिल्ली के दिलवालों का ही बोलबाला रहा। पूरे नॉर्थ जोन पर राजधानी दिल्ली भारी पड़ी। विनर्स लिस्ट में ज्यादातर नाम दिल्ली के ही थे। कुल मिलाकर ये कंपटीशन फुल एंटरटेनमेंट पैकेज रहा, जहां मॉडल से लेकर हेयर ड्रेसर्स तक सबने खूब एंजॉय किया और इस फैशन जगत में आने वाले न्यू कमर्स के लिए भी एक दरवाजा खोल दिया। दृष्टि गुप्ता, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और अब हम आपको लिए चलते हैं कनूठे मेले में। ITC शेरेटन में लगे मेले में जमा हुए नॉर्थ जोन के बेहतरीन हेयर ड्रेसर्स। मेले में खास था एक कॉम्पिटिशन जहाँ पर इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। हेयर स्टाइल्स ऐड मोर टू योर लुक्स। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि खूबसूरती का बोलबाला है और इस पर स्टाइलिश हेयर स्टाइल हो तो क्या कहने। ITC शेरेटन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर आयोजित एक ब्रांड की कलर ट्रॉफी के कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स आए थे नॉर्थ जोन के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू देम, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। ऐसे कॉन्टेस्ट यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इंडस्ट्री वालों से नोटिस होने के लिए और अपनी मतलब कोलीग्स से और इंडस्ट्री में कितना अच्छा कर सकते हैं वो दिखाने के लिए। आई थिंक इट्स ग्रेट। कंपटीशन में दिल्ली के दिलवालों का ही बोलबाला रहा। पूरे नॉर्थ जोन पर राजधानी दिल्ली भारी पड़ी। विनर्स लिस्ट में ज्यादातर नाम दिल्ली के ही थे। मिलाकर ये कंपटीशन फुल एंटरटेनमेंट पैकेज रहा, जहां मॉडल से लेकर हेयर ड्रेसर्स तक सबने खूब एंजॉय किया और इस फैशन जगत में हेयर ड्रेसिंग के लिए आने वाले न्यू कमर्स के लिए भी एक दरवाजा खोल दिया। इस साल के ट्रेंडी हेयर स्टाइल क्या होंगे, कौन सा हेयर कट होगा इन और कौन सा होगा आउट, चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली में हुए एक ऐसे फैशन शो पर जिसका फोकस रहा ट्रेंडी हेयर स्टाइल। आमतौर पर आपने रैंप पर ट्रेंडी और फैशनेबल कपड़े पहने मॉडल्स को देखा होगा, लेकिन इस शो का फोकस रहा ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स। रैंप पर वॉक करती इन मॉडल्स को देख आप इस साल के पॉपुलर रहने वाले हेयर स्टाइल्स का अंदाजा लगा सकते हैं। मौका था दिल्ली में हुए एक हेयर स्टाइल शो का, जिसमें नॉर्थ जोन के कई नामी ग्रामीण हेयर सैलून्स ने हिस्सा लिया। कभी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। हेयर स्टाइल हमेशा इंडिविजुअल बेटर लगते हैं। जो स्टाइल आप पे अच्छा लगता है शायद मेरे ऊपर अच्छा ना लगे या किसी थर्ड पार्टी पे अच्छा ना लगे। इट्स ऑलवेज इंडिविजुअल, लेकिन डायरेक्शन लेना चाहिए। आई थिंक पिंक्स एंड रेड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग कलर्स एज फार एज हेयर कलर इज कंसर्न। बालों को किस तरह का कलर दें या फिर कौन सा कट देगा आपको बेस्ट लुक, ये तमाम बातें इस शो का फोकस रही। शो में शामिल हुए हेयर स्टाइलिस्ट के काम को जज करने के लिए एलीट पैनल भी था। शो में बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट को अवार्ड भी मिला। शायद इन हेयर स्टाइल्स में से कोई एक कर जाए आपको भी सूट। दिल्ली से जसप्रीत के साथ शिल्पी वत्स, वॉइस ऑफ इंडिया।